अच्छा से रिकैप दे देता हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में। इस एपिसोड में रिकैप के बाद फिर हम आगे अगला एपिसोड स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चलो बिगिन करते हैं। जैसा कि पहले हमने बात कर ली थी एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में। ऑफ पेज वो तमाम सोशल मेंशन या सोशल बैकलिंक्स हैं जो आप हासिल करते हैं उन पर्पसेस से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग आप बेहतर करते हैं। ऑन पेज वो जी फैक्टर्स हैं ठीक जिन हो। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आप काम करते हैं और अपनी वेबसाइट के कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट या इस तरह चीज़ों पर काम करके उससे बेहतर करें ताकि लोगों को उस पर फ़ायदा हो। इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। इसके ऊपर हमने पहले EAT पे बात किया था। EAT के बाद हमने SEO के रैंकिंग फैक्टर से बात किया था। अभी हम पहले जो रैंकिंग फैक्टर्स हमने पढ़ लिया है इसे एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे फिर हम आगे चल लेंगे। पहला रैंकिंग फैक्टर हमने पढ़ा था कि आपकी वेबसाइट सिक्योर और एक्सेसिबल होनी चाहिए, अच्छे कोड बिल्डर से बनी हो, उसका कोड सही हो, उसमें रोबोटेक्स फाइल ऐड हो, वेबसाइट पे साइट मैप लगाओ और ये सारी चीज़ें मिल के आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाती हैं। इसके अलावा एक HTTPS की प्रोटोकॉल होती है जो कि आपको इनक्रिप्शन देती है फ्रॉम 192nd, तो उस इनक्रिप्शन को अपनी वेबसाइट में डाल देंगे तो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी और गूगल को भी बहुत पसंद आएगी। सेकेंड है पेज स्पीड। आपकी पेज स्पीड जितनी बेहतर होगी उतनी अच्छी बात है। गूगल इसे एक बहुत मेजर रैंकिंग फैक्टर मानता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड जितनी बेहतर होगी वो उसे उतना जल्दी रैंक करेगा। और सिर्फ सिर्फ डेस्कटॉप के लिए स्पीड का बेहतर होना लाजमी नहीं है, मोबाइल के लिए भी इसे ऑप्टिमाइज होना लाजमी है। मोबाइल के अच्छा तमाम मोहसिन भाई, ये जो फंक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मतलब HTTPS के बारे में, जी, तो ये जो डोमेन होगी ये वो तो जो वेबसाइट डेवलपर होगा वही हमें बना के देगा ना। हमने तो चेक करना है कि इसके साथ मतलब ये सिक्योर है कि नहीं है, जी तो हम उसे बिल्कुल बता देंगे बिल्कुल कि जी ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मगर आपको होता है ना, आपने अगर काम करवाना तो पहले आपको उसकी नो हाउ थोड़ी सी होनी चाहिए। जिस तरह पहले जमाने में कहते हैं ना थे कि अगर हाँ आपने जी कोई, बिल्कुल, वो तो हाँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आपने काम तो डेवलपर से करवाना है मोस्ट ऑफ द टाइम, मगर आपको थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाओ या आप किसी से डोमेन लो तो आपको पता होगा वजह क्या है, क्यों नहीं इसे SSL किया या इसमें एक इंक्रिप्शन ऑन क्यों नहीं हो रही है। समटाइम्स होता ये है कि आप अगर डोमेन के साथ इसे ना खरीदो ना तो कुछ डोमेन उनके लिए आपको फिर पर्टिकुलर पैसे दे खरीदनी पड़ती है, महंगी पड़ती है, इसलिए इन्हें आप यूजली डोमेन के साथ ही खरीद लिया जाता है गोडैडी या किसी और जो सब्सक्राइबर वगैरह बेस्ड होती हैं प्लेटफॉर्म वहाँ से। सही हो गया। ठीक हो गया, चले दूसरा रैंकिंग फैक्टर में बताया था पेज स्पीड। आपकी पेज स्पीड डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल के लिए ऐसे भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। और उस स्पीड को आपने SEO रैंकिंग फैक्टर में एक मेजर पार्ट के लिए ऐसे काउंट करना है। अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं है तो आप ये कभी भी ना सोचेंगे आप अच्छे नंबर पर रैंक कर जाएंगे, क्योंकि हाँ स्पीड जी, आपके जिस तरह वो यूजर, आपने बताया था कि मतलब जो AMP है जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आपके लिए एक मेजर स्पीड का फैक्टर ना। का काम कर रहा है। सही है, तो वो आपको मेजर स्पीड के ऐसे इफेक्ट करेगा। अगर आप अपनी स्पीड बेहतर करने में नाकाम है तो आप समझे कि आपने सारे का सारा मेहनत जो आप इस पर कर रहे हैं वो किसी काम नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी स्पीड बेहतर करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अपना अच्छा सर्वर लें, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें ताकि वो जल्दी लोड हो सके, डेस्कटॉप के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। सही हो इन गया। दोनों के लिए चाहे अलहदा वर्जन बनाने पर अलहदा वर्जन भी बना दें, मगर इस बात को इंश्योर कर लें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बेहतर हो। आगे चलते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस की तरफ। जैसा कि मैं बताया था मोबाइल रैंक फर्स्ट हो चुके हैं। पहले गूगल आपको मोबाइल के लिए ऐसे देखता है कि क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल पे सही लोड हो रही है, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। आपका वेबसाइट मोबाइल पे सही लोड नहीं हो रही है तो डेस्कटॉप पे चाहे वो सही लोड हो रही है। आवाज में हुसैन भाई, अच्छा मैं दोबारा नहीं बता देता हूँ, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कट कट के आ रही है। मैं 1 सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज़ आ रही है भाई आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है लेकिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस है अभी। 1 सेकंड देंगे जो आपको। अच्छा अब आवाज आ रही है भाई को? हाँ जी आ रही है। चलें बेहतर हो गया। अच्छा तो मैं बता रहा था कि तीसरा फैक्टर है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए ऐसे कितनी फ्रेंडली है, मोबाइल पे सही लोड हो रही है या नहीं हो रही है, उसके एलिमेंट्स इतने क्लोज तो नहीं है कि टच करने में मसला आ रहा हो, क्या उसके बाउंस तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। ये चीज़ें एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है जब से हाँ मोबाइल जी अपडेट आई थी एल्गोरिदम में।
इन्होंने मोबाइल फर्स्ट की एक एल्गोरिथम निकाला था ऐसे ही बिल्कुल इन 2016 आई थिंक, और उस अपडेट के बाद ना ये चेंज हो गया था मोबाइल फर्स्ट के लिहाज से कि तमाम डिवाइसेस मोबाइल के लिहाज से ऑप्टिमाइज होने चाहिए तमाम वेबसाइट्स, और उसके इंडेक्सिंग जो है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज फर्स्ट हो, उसका यूजर एक्सपीरियंस हमेशा बेहतर हो, आपकी वेबसाइट हर डिवाइस के लिहाज से उसके लिहाज से ऑप्टिमाइज हो जाए। इसे कहते हैं कि मैंने छोटी वेबसाइट मोबाइल पर डिवाइस खोले वेबसाइट खोले तो वो उसके लिहाज से ऑप्टिमाइज हो जाए, अगर बड़ी डिवाइस पे वो वेबसाइट खोले तो उसके लिहाज से सही हो गया। बिल्कुल समझ आ गया। हाँ जी, मतलब हमारे पास जो जितनी भी वेबसाइट्स होंगे वो पहले मोबाइल पे हम देखेंगे उसका जो लेआउट है वो प्रॉपर आए, उसके बटन वगैरह जो है वो मिक्सअप ना हो। बिल्कुल सही है, और हमेशा अपनी वेबसाइट को अपने मोबाइल फर्स्ट के लिहाज से क्रिएट करना है ताकि मोबाइल भी पहले लोड हो जाए, उसके बाद कहीं और मसला हो तो उससे बाद में देखा जाए। मोबाइल आपका हमेशा बेहतर होना चाहिए, आपका यूजर एक्सपीरियंस वहाँ से लूज ना करे, तमाम मेन्यूज एक्सेसिबल हों, ईजी टू नेविगेट हों, कोई भी इस तरह की एड ना आ रही हो जो कि आपके इसेंशियल कंटेंट को हाइड कर रही हो। मिसाल के तौर पर अगर आर्टिकल लिखा हुआ है कि चीता कितना तेज भागता है और एक एड है जो कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर आ रही है, तो वो यूजर उसे एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर काउंट करेगा, वो आपके लिए खतरनाक होगा। तो बेहतर है कि जो इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ऐड ना दें, बल्कि जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती है राइट साइड लेफ्ट साइड बॉटम या अपर लेफ्ट, तो वहां पे आप ऐड लगा लें, ना ही क्या इसेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इससे आपको मोबाइल कन्वर्जन रेट भी बेहतर होगा और ऑल दैट हो जाएगा। गूगल एएमपी पे हमने बात की थी, गूगल का प्रोजेक्ट है एम्प्लीफाइड मोबाइल पेजेस या एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। इसमें होता ही है कि गूगल आपके वेब पेजेस की स्नैपशॉट सब वो उसके नीचे जो है वो सिंबल आ जाता है इसका। एग्जैक्टली, और फिर वो जल्दी से वो यूजर को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उन्हें कंटेंट जल्दी मिल जाता है और आपकी पेज स्पीड बेहतर आ जाती है। चौथा एक फैक्टर है डोमेन यूआरएल एंड अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है, आपकी यूआरएल कितनी आपकी नीच से मिलती है, और ओवरऑल आपकी अथॉरिटी कितनी ज्यादा है। उससे भी मतलब वो जो इसका जो टूल था आपने मुझे हमें बताया था वो SEO क्रैक, मुझे लगता है जिससे एज वगैरह जो है वो, तो वहां से आप अपने लिए एक अच्छी सी डोमेन ढूंढ लें जिसकी एज अच्छी हो, उसका यूआरएल आपके नीच से जितना रेलेवेंट होगा उतना बेहतर है। अब अगर आपकी नीच है फुटबॉल शूज की, मौसम भाई ये यूआरएल मतलब जितना रेलेवेंट होगा इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ कि यूआरएल जितना, हां जी, मिसाल के तौर पे आपने जो चीज बेचनी है आप उसी की मशहूरी करेंगे ना, तो अगर आपने फुटबॉल शूज की वेबसाइट बनानी है तो उसका नाम फुटबॉल शूज .com लिखेंगे तो जल्दी रैंक कर जाएंगे। अगर आपने फुटबॉल शूज की वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट का नाम रख देते हैं, मतलब जो जो वेबसाइट का जो कीवर्ड है बेसिक जो कीवर्ड है वो उसी के नाम से हो, उससे नीच से रेलेवेंट कीवर्ड हो, ऐसा कीवर्ड जो कि आपको इजीली रैंक करने में आसानी दे, तो आपके लिए बेहतर है, वो भी रैंकिंग फैक्टर के तौर पर होगा। थर्ड इसमें है अथॉरिटी कि आपकी वेबसाइट की और अथॉरिटी कितनी है, उसे लोग कितना जानते पहचानते और मानते हैं, कितने ऐसे से वो इस नीश के अंदर काम कर रही है, ये आपकी अथॉरिटी में काउंट होगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं? नहीं नहीं ठीक है, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पांचवा फैक्टर है कंटेंट ऑप्टिमाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी फैक्टर है क्योंकि इसके अंदर काफी टेक्निकलिटीज आ जाती है। आपने कंटेंट को सिर्फ यूजर के लिए नहीं क्रिएट करना, आपने कंटेंट को गूगल के लिए भी क्रिएट करना है कि एक आम आदमी जब उसे पढ़े तो उसे भी नेचुरल हो, अच्छा लगे हो, जब गूगल का रोबोट आगे उसे पढ़े तो उसे भी वो समझने में आसानी हो, वो उसे जल्दी से कंटेंट अपने पास इंडेक्स कर सके। जितना आप अपना कंटेंट गूगल और यूजर दोनों के लिहाज से बनाएंगे उतना बेहतर है। अगर आप सिर्फ सिर्फ यूजर के लिहाज से बनाते हैं कंटेंट, कंटेंट छोटा है टू द पॉइंट है और वो जल्दी से यूजर आगे जा रहा है तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कंटेंट सिर्फ सिर्फ गूगल के लिहाज से बनाते हैं कि यूजर को फायदा नहीं, यूजर आता है और चला जाता है तो भी फायदा नहीं। आपने कंटेंट दोनों को लिहाज से बनाना है, गूगल के हिसाब से भी बनाना है और यूजर के हिसाब से भी बनाना है। इसके लिए आपको कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, सही कीवर्ड डालने पड़ेंगे, मगर इस बात का भी ध्यान रखना आपके कीवर्ड जो नेचुरली आ रहे हो और स्टफिंग ना हो, बहुत ज्यादा कीवर्ड ना डाले हो। अगर आपने एक ही लाइन के अंदर या बहुत छोटे से जगह के अंदर काफी सारे कीवर्ड डाल दिए हैं तो गूगल से कीवर्ड स्टफिंग भी लेता है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। हाँ जी, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो हमें देखनी पड़ती है कीवर्ड्स की, जो है सही है बिल्कुल ऐसे डेंसिटी एक पेज के अंदर जो है वो। हाँ जी जी जी, तो वो कैलकुलेट करके मतलब वो जितनी रेशो आएगी उसके हिसाब से वो हम उतने की कीवर्ड जो है वो डाल सकते हैं उसके अंदर। मतलब जो आपको मेन कीवर्ड है, अगर हम SEO के ऊपर बना रहे हैं तो SEO के मतलब अगर 150 वर्ड्स हैं टोटल कंटेंट के तो उसमें 6 दफा यूज कर लेंगे SEO। जी ऐसे ही है,
जी मैंने कहा आपने कंटेंट की लेंथ के लिहाज से उसे डिवाइड कर देना और फिर उसको कि एक अच्छे रेशियो के लिहाज से आपने ऐड कर देना है। आगे एल एस ए कीवर्ड्स आते हैं और जिन्हें लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्सिंग के लिहाज से देखा जाता है और ये आपके ऐसे रैंकिंग फैक्टर्स में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल लोग जो है मोबाइल के ऊपर बोल के सर्च कर लेते हैं, वो दो तरीके से सर्च कर सकते हैं। एक तो ये सर्च कर सकते हैं कि फुटबॉल शूज नियमी या फुटबॉल शूज शॉप नियमी, एक तो ये तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये भी कर सकते हैं व्हाट आर द बेस्ट फुटबॉल शूज इन लाहौर। दोनों लिहाज से अपने आपने वेबसाइट पे कंटेंट डालना है कि ताकि इंसान जब नेचुरली सवाल पूछे गूगल से तो उसे वो भी आंसर मिल सके, उसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन ना हो जो कि आपकी टारगेटिंग के अंदर ना आ रहा। आपने वॉइस के लिहाज तो वो मोशन भाई ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब अगर हम जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारी जी, जो जिसको मेटा डिस्क्रिप्शन आप कह लें, मतलब जो नीचे जी, होती है वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को, तो उसमें अगर हम वर्ड्स लिख लेते हैं जी, अपने जो कीवर्ड्स है जो अपना, जब वो वॉइस से सर्च करता है अगर हमारा जो बेसिक जो वेबसाइट का अपना जो कीवर्ड है वो ना भी हो वो वाला मेटा डिस्क्रिप्शन में हो, तो फिर भी वो तो गूगल उसको ले आएगा ना ऊपर ले आएगा जब वो वॉइस सर्च करेगा। होता ही है कि गूगल के इंडेक्स जब कर रहे होते हैं तो आपके वो मेटा डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपकी वेबसाइट ये कंटेंट दोनों को एक ही पिक्चर में रखते हैं, एक ही लिहाज से देखते हैं। पहले वो सबसे ऊपर आपका टाइटल रखता है, टाइटल के बाद आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन रखता है और फिर तीसरे नंबर पे कंटेंट रखता है। तो पहले वो आपके टाइटल को देखा कि आपका टाइटल होस्ट का जो सवाल है दोनों मिलते हैं तो आप फोन मैच हो जाएंगे। फिर दूसरा देखा आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को उसके सवाल को, अगर दोनों मैच होते हैं तो मिल जाएंगे। अगर ये अभी भी नहीं मैच हो रहा मगर आपके कंटेंट हो आपके जो सवाल है वो काफी अच्छा मैच हो रहा है तो फिर वो फोन मिल जाएंगे। अगर इन तीनों में मैच नहीं हो रहा तो वो आपको नहीं रिजल्ट दिखाएगा। क्या इससे आपके सवाल का जवाब मिलता है? हाँ जी ठीक हो गया। चलें ग्रेट हो गया। अब मैं एलएसए कीवर्ड्स के पर बात कर रहा था कि आपने पहले तो सिर्फ होता था टेक्स्ट के लिए ऐसे ऑप्टिमाइज करना होता है, लोग कंप्यूटर पर ऐसे सवाल लिखे, मगर अब आपने बोलने वाले सवालों के लिए ऐसे भी ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे सवाल जो कि इंसान आमतौर पर नेचुरली तौर पर बोलता है गूगल को या सीरी को, वो उसे ढूंढ के देते हैं। अब आपने उसके लिए ऐसे अपने आप को कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। उसमें इंसान दो तरीकों से सवाल पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि मेरे कोई सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, ये भी पूछ सकता है लाहौर में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है। तो अपने दोनों के लिहाज से ऑप्टिमाइज करना है और तमाम कीवर्ड्स को इस तरह ऐड करना है कि दोनों सवालों के जवाब मिला रहे हो उसी कंटेंट के अंदर से। अब जाहिर सी बात है सारे कंटेंट इसका मतलब ये है कि हमें जो है ना वो कीवर्ड सर्च करके कि कौन से ज्यादा जो है वो बोले जाने वाले कीवर्ड्स हैं जी बिल्कुल अपने टॉपिक के रिलेटेड, तो उसको हम अपने कंटेंट और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर अपने यूआरएल में ऐड करेंगे थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मगर इस बात का ध्यान रखें जितना नेचुरली ऐड हो उसके यूं लगे कि फ्लो के अंदर बात हो रही है, आपने सिर्फ कीवर्ड डाला नहीं हुआ। हाँ जी सही हो गया। आप इससे बात कर रहे हैं तो बीच में एक जुमला वैसे आ जाए तो नेचुरल लगेगा, मगर आप बात बात पे एक ही जुमला बोली जाएंगे 2500 2500 तो उससे पता चलेगा आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। आगे सर्च इंटेंट फॉर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना उस कीवर्ड को आप नेचुरली तौर पे ऐड करें अपने आप। अस्सलाम वालेकुम वाजी, अंडरस्टैंडिंग सर्च इंटेंट फॉर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। इंसान जब बंदा कोई सर्च करेगा अपने कंटेंट को तो कैसे सर्च करेगा उसी के ऊपर बात हो रही है कि अगर आप उस सर्च इंटेंट को ढूंढ लेंगे ना कि सर्च क्यों कर रहा है आपके कंटेंट को, वो उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे तो आपकी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आसानी से हो जाएगी, ढूंढने चाहते हैं वो यहाँ चाहते हैं कि वो किसी जगह पहुंचे या किसी सवाल का जवाब चाहते हैं या वो चीज खरीदने से पहले उसके बाद रिसर्च करना चाहते हैं या वो कोई रिसर्च कर लिया वो उस चीज को खरीदना चाहते हैं। ये चार इंटेंट्स होते हैं यूजली। पहले इंटेंट है कि वो एक वेबसाइट के पास जाना चाह रहे हैं, दूसरी इंटेंट होती है वो किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, तीसरी इंटेंट है वो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं खरीदने के लिए या किसी काम के लिए, चौथा होता है कि वो चीज़ पे उन्होंने रिसर्च कर लिया उसे खरीदना चाह रहे हैं। ये चार इंटेंट्स को अपने अपने दिमाग में रखते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है कि अगर कोई इंसान इन चारों सवालों को लेके आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे उस सवाल का जवाब मिल जाए, अगर कोई खास वेबसाइट ढूंढ रहा है तो वो उस वेबसाइट तक पहुंच जाए, अगर कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा है तो उसे उस सवाल का जवाब मिल जाए, अगर वो चीज़ खरीदने से पहले किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा है तो उसे उस रिसर्च को आपकी वेबसाइट पर मौजूद हो, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर चीज़ खरीदे तो आपकी वेबसाइट पर कन्वर्जन कम्प्लीट हो। ये चारों चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट पर इंटेंट के लिहाज से मौजूद हैं तो आपकी कन्वर्जन रेट अच्छा हो जाएगा और बाउंस रेट भी बेहतर हो जाएगा। सही हो गया।
जितनी अच्छी आपकी बिजनेस साइज ऑप्टिमाइज होगी उतना आपके लिए बेहतर है। यूजली गूगल इंटेंट जो है वो आपके कीवर्ड लेंथ के ऊपर फर्क नहीं डालती, मगर एक ऐसी रैंकिंग फैक्टर के तौर पे जरूर आपके सामने आती है। अब कंटेंट लेंथ के ऊपर बात कर रहे थे कि कंटेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए। कंटेंट लेंथ जो है एक जमाने में इम्पोर्टेंट नहीं होती थी, ये पहले भी बात मैंने की है, मगर अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि अब आपके कितने आप उसे कंटेंट लिख रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या, गूगल इस चीज़ को कितना डेप्थ में लिखे, इन तीनों चीज़ों को अपने पास लेता है और देखते हैं कि आपकी उसके ऊपर अथॉरिटी क्या है, जो आप लिख रहे हैं क्या उसमें कोई बात ऐसी तो नहीं है जो कि फेक न्यूज़ या नॉट एक्यूरेट लिहाज से काउंट हो उसके, तो उसे वो निकाल देगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए गूगल ने अब इन सवालों के जवाब जीरो पोजिशन से भी देने लग गए हैं। अब मिसाल के तौर पर जब मैं गूगल के ऊपर रिसर्च करता हूँ कि वर्ड्स हाउ फास्ट अ टाइगर रन्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलें गेट हो गया। तो मैं कहता था कि गूगल के ऊपर ना अब आप जब सवाल लिखते हैं हाउ फास्ट अ टाइगर रन्स, तो पहले नंबर पे ये जो आ रहा है ना ये वाला रिजल्ट, ये है जीरो रिजल्ट। जीरो रिजल्ट जो है गूगल इसे भी देखता है कि वो आप जीरो रिजल्ट पे काउंट हो रहे हैं तो आपके इम्प्रेशन में काउंट होता है, और आपके जितने ज्यादा इम्प्रेशन होंगे एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए उतना बेहतर होगा। ये गूगल की अपनी तरफ से होता है, ये होता है अपनी वेबसाइट के अंदर जब आप बना देते हैं ना तो वो एक सवाल होता है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है आपके यूजर सवाल पूछ रहे हैं कि चीता कितनी तेज भागता है, तो अपनी वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह मेटा टैग में एक सवाल का आंसर लिख देंगे। गूगल आएगा उसका कॉलर देखेगा इसने इस सवाल का ये जवाब दिया हुआ है, तो जब भी कोई बंदा वो सवाल पूछेगा ना तो वो वहां से सवाल का जवाब डायरेक्ट अपने जीरो पोजीशन पे इस वाली जगह पे दे देगा। सही हो गया, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। अब ये सवाल है, इस सवाल को उसने ये जवाब दिया है 49 to 65 km/h राइट, तो उसने गूगल ने क्या करना है ये वाली इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे रख देनी है आपके जो आपने टैग्स वगैरह लगाए हैं उसकी मदद से, और फिर उन्हें उसने ये इस शक्ल में दिखा देना। ठीक हो गया भाईजान? ठीक हो गया। यूजली आंसर बॉक्सेस जो हैं वो सवालों के जवाब दे रहे होते हैं या सवालों को हेडिंग में देते हैं प्रॉपर टाइटल टैग्स के साथ। अपने सवालों के आंसर हमेशा कोशिश करें कि वो एक्यूरेट हो, रेलिवेंट हो, ज्यादा लंबे ना हो। ज्यादा लंबे होंगे तो गूगल को उसे समझने में मुश्किल होगी, वो सही आंसर नहीं लगा सकेगा। वो उन्हीं कंटेंट को आपने टारगेट करना कीवर्ड्स के लिहाज से जो कि आंसर बॉक्स में मौजूद हैं। ज्यादा सवालों के जवाब देंगे या ज्यादा इरेलीवेंट बात करेंगे तो गूगल उसे स्किप कर देगा। वो अपनी वेबसाइट के तरफ लिस्ट जो टेबल डाल लेंगे तो उसकी वजह से उन्हें गूगल को फायदा होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि हाउ टू मेक बिरयानी, यहाँ बिरयानी इंग्रेडिएंट्स, मैंने जब रिसर्च की है तो ये सारी जो है ये लाइन बाई लाइन आ गई हैं। इसके अंदर ये जीरो फैक्टर्स में काउंट हो रहे हैं, ये भी जीरो फैक्टर में काउंट हो रहा है, यहाँ पे आपका पहला रिजल्ट शो हो रहा है। अब ये सारे हाथ के हैं और ये आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे रेटिंग्स आ रही हैं, इतने इतने कैलोरीज, ये लोगों को डिसाइड करने में मदद करेंगे ये मैंने इधर जाना है इधर नहीं जाना। ये मेटा टैग्स की मदद से होगा, जितने अच्छी आप मेटा टैग ऐड करेंगे वेबसाइट को जितना अच्छा कोड करेंगे एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए खुद फायदेमंद होगा। सही हो गया, आगे चलते हैं। अपनी वेबसाइट में वीडियोस डालने के बारे में अभी रिसेंट रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि जितने ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2021 आपके 79% जो होगी ना ऑनलाइन पीपल वो ऑन वीडियो होंगे, और आपने एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो आपने बाय वीडियो कन्वर्जन के जरिए लाया जाएगा। इस चीज को देखते हुए ना वीडियो मार्केटिंग स्टैट्स को लोगों ने इस ऑल एज ग्रुप्स के अक्रॉस शेयर कर दिया है, और वीडियो जो लोगों को चीजें खरीदने में मदद कर रही है। आज से अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो लोग फेसबुक पे एड्स जो थी सिर्फ फोटो बेस्ड होती थी, इंस्टाग्राम पे भी एड्स सिर्फ फोटो बेस्ड होती थी, मगर अब एड्स कन्वर्ट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं ऑन वीडियो बेस्ड फॉर्मेट। लोगों के मुताबिक जितना ज्यादा आप वीडियो डालेंगे या जितनी अच्छी आपकी वीडियो कन्वर्टिंग होगी आपके लिए उतना बेहतर है। इसलिए आपने भी वीडियो के लिए ऐसे मार्केटिंग को सोचना है कि वीडियो आप कैसी बनाएंगे कि लोग कन्वर्ट करें। यूजली वीडियो में जितना यूजर भी इंटरेक्टिव हो सके, जितना उसे वो रिलेट कर सके आपके लिए उतना बेहतर होता है। यहाँ तक कोई मसला नहीं भाई?
नहीं ठीक है मोहसिन भाई, सब कुछ समझ आ रहा है। लेट हो गया। 6 पॉइंट है टेक्निकल एसईओ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक ऊपर से ओवरऑल फॉर्म दे दूंगा, इसे इन डेप्थ हम फिर जब आगे कोडिंग पढ़ रहे होंगे तब करेंगे हम। इसका मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूजली ये एक वर्डस्मिथ या एक टेकी के लिए होता है, मगर हम इसे ओवरऑल देख लेंगे कि इसके अंदर आप पेज टाइटल्स के अंदर कैसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, ताकि गूगल जब उन्हें देखे तो इजीली से देख सके आपके रिसर्च से कितना रेलिवेंट है। हेडर टैग्स जो मौसम कि में ये एच हम जो कीवर्ड्स जो ये आप बात कर रहे हैं, मतलब कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं ना आप अभी, जी जी अभी कीवर्ड की बात कर रहे हैं और यही ना कि हम उसको जो है वो किस तरह से देखेंगे। जी। यानी जब बंदा सर्च करेगा तो कैसे सर्च करेगा, वो आपके टाइटल के अंदर मौजूद है, H1 हेडिंग के अंदर मौजूद है, मेटा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर नहीं है तो मसला क्या है, क्यों नहीं हो आप ऐड कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, सारी टेक्निकल एसईओ में आ जाती है बातें। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, शायद उससे आइडिया बेहतर हो जाए। यूजली टेक्निकल एसईओ के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। वो तो मतलब फिर कीवर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कुछ कीवर्ड्स हैं वो उसके वेबसाइट का जो मेन जो है कीवर्ड उसके उसके अंदर भी रखें, फिर वो अपने यूआरएल के अंदर भी रखें, और जो नीचे है मेटा डिस्क्रिप्शन उसके अंदर भी कीवर्ड्स रखें वो वाला। जी जी ऐसे ही है। अच्छा, हम बता रहे टेक्निकल एसईओ में यूजली ये पॉइंट्स आते हैं कि आपकी वेबसाइट HTTPS यूज कर रही है, उसकी वेबसाइट का कोई डुप्लीकेट वर्जन ना हो, अगर डुप्लीकेट है तो उसे आपने कैनोनिकल टैग लगा के बताया, और ये वाला जो है ये मेरा प्राइमरी वर्जन है और ये वाला सेकेंडरी वर्जन है। प्राइमरी वाले को आप क्या कहते हैं कर लो क्रोल, और सेकेंडरी को चाहिए रहने दो। दूसरा जो भी कॉलिंग के एरर्स आ रहे हैं उन्हें फिक्स कर दो, साइट की स्पीड बेहतर कर दो, इंटरनल और आउटबाउंड लिंक्स को सही कर दो, HTTPS और HTTPS पेजेस के लिए लिंक सही कर दो, वेबसाइट जो SEO फ्रेंडली हो जाए, उसका स्ट्रक्चर SEO फ्रेंडली हो जाए, और उसके अंदर पेज की डेप्थ जो है 3 पेजेस हो जाए, 302 रीडायरेक्ट्स जो है उन्हें ठीक कर लो, और कोई भी चेन लूप जो है वो ना हो रही हो। यूजली ये फैक्टर्स जब आप अपनी वेबसाइट में ऐड करते हो तो आपका टेक्निकल SEO ठीक हो जाता है। ये तो हो गए यूजुअल SEO फैक्टर्स, मगर कीवर्ड की वजह से आप उन्हें कैसे देखोगे। कीवर्ड की वजह से ये पॉइंट्स होते हैं कि आपका पेज टाइटल जो है उसमें कीवर्ड फ्रेजेस ऐड होना चाहिए आपके, अगर पेज टाइटल में कीवर्ड फ्रेज नहीं है जो कि आपको रैंक करने में फायदा नहीं देगा। फिर इसलिए हमने हमेशा कोशिश करें आपका H1, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल और आपका जो पेज टाइटल है, ये चारों जो है कीवर्ड ओरिएंटेड हो, इनमें कोई भी जगह आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें जिसमें आप कीवर्ड ऐड कर सकते हो नेचुरली तौर पर वो आप ना कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हेडर टैग जिसे हम H1 सही हो H2 गया। H3 टैग्स कहते हैं HTML के अंदर, इन टैग्स के अंदर भी आप कीवर्ड्स ऐड करें, वो इस तरह ऐड करें कि वो नेचुरल लगे। यूजली जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे के अंदर भी हम हेडिंग्स देते हैं ना, उसी तरह जब आप वेबसाइट में कंटेंट लिखेंगे तो उसमें भी आपको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, हाँ एक जी बड़ी हेडिंग, एक छोटी हेडिंग, एक उससे भी छोटी हेडिंग या जितना भी, तो उन हेडिंग्स को हाँ भी जी आपने कीवर्ड के लिए ऐसे लिखना है और देखना है कि वो कीवर्ड के लिए ऐसे ओरिएंटेड हो। आगे चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल, इनके अंदर भी आप रीडर हो कीवर्ड फ्रेजेस की वजह से ऐड करेंगे कीवर्ड्स, उन्हें इस तरह लिखेंगे कि वो नेचुरल लगे और उनमें कीवर्ड इजीली एक्यूमुलेट हो सके। आगे चलते हैं, आपकी तमाम इमेजेस के साथ एक ऑल्टरनेट टैग आपने यूज करना है, जैसे कि मैंने इमेज एसईओ के अंदर बताया था कि इमेज एसईओ के अंदर जब आप ऑल्टरनेट टैग यूज करते हैं, इमेज का नाम से ही रखते हैं और ओल्ड टैग यूज करते हैं, वो भी आपके इमेज एसईओ में काउंट होता है, वो आपको रैंक करने में आसानी देता है। अब जब भी कोई बंदा सर्च करेगा पिक्चर्स ऑफ चीता, वो आपने चीता की फोटो लगाई होगी इस नेम के साथ, पिक्चर्स ऑफ चीता के टैग के साथ, तो वो रैंक इजीली ऑन टॉप करेगा, लोग उस पिक्चर से आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपको ट्रैफिक मिलेगी। मगर अगर आपकी वेबसाइट जो है उसमें आपने इमेजेस को डाला हुआ है 1, 2, 3 के नाम से या ऐसे नाम जो इसका पिक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो नुकसानदेह है। दूसरी बात, ओल्डर टैग ऐड नहीं करेंगे तो वो भी आपके लिए एट द लॉन्ग रन नुकसानदेह है। एक तो जो लोग देख नहीं सकते उन्हें भी फायदा नहीं होगा, वो कन्वर्ट नहीं होंगे, और दूसरा ये होगा कि गूगल के वो उसे रीड करने में मसला होगा, क्योंकि गूगल का जो बोट है वो पिक्चर को देख नहीं सकता, वो ऑल्टरनेट सही टैग हो से गया। समझता है कि इसमें क्या मौजूद है। तो वो आप जितना ज़्यादा ऑल्टरनेट टैग्स ऐड अच्छी तरीके से ऐड करेंगे उतना फायदेमंद है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि वो 46.5 वर्ड से 60 वर्ड के राउंड अबाउट से ज़्यादा बड़ा ना हो। सही हो गया। आगे स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि मैं जब बयानी के रेसिपी बता रहा था
ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे रेटिंग्स आ रही हैं, हाँ जी रिव्यू, बिल्कुल आ रही है, ठीक हो ये गया। हाँ स्कीमा जी मार्कअप में आता है। इसके लिए आप एक वेबसाइट है नेचुरली, वो उन्होंने सारा कुछ फ्री दिया हुआ यहाँ पे, आप उस वेबसाइट पे जाएं, कोड देखें कैसे वो बनाते हैं, और वहाँ से आप उसे यूज करना शुरू कर दें। ये स्कीमा डॉट ऑर्ग, यहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं तमाम कोडिंग जो आपने ऐड करनी है या आपने स्कीमा के तौर पे उसे अपनी वेबसाइट में इंक्लूड करना है, वो आप यहाँ से कॉपी करें अपनी वेबसाइट में ऐड कर दें। चाहे आपने रेटिंग डालनी है, चाहे आपने इंग्रेडिएंट डालने हैं, कैलरीज डालनी है, कोई भी इस तरह का स्कीमा नहीं है जो इन्होंने स्किप किया हुआ हेलो, है। वेबसाइट का नाम है स्कीमा डॉट ओ आर जी, यहाँ से आप जाके किसी भी किस्म का स्कीमा उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है भाई? ग्रेट, हो गया। अच्छा जी, स्कीमा मार्कअप के लिए मैं बता रहा था कि आपका जो स्कीमा मार्कअप है वो इन चीज़ों के लिहाज से काउंट होता है, मगर आपकी वेबसाइट जिस भी लिहाज से बनी हो, जिस भी नीश में हो, तो उसका स्कीमा अलग से आप ऐड करेंगे। यूजली स्कीमा मार्कअप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ आपको डेवलपर की कॉस्ट पड़ेंगी, और ये आपकी वेबसाइट को रैंक करने में फ़ायदा देता है। स्कीमा मार्कअप इस तरह का होता है कि आप उसमें रेटिंग्स ऐड कर सकते हैं, रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, कैलीज, आपकी जियो लोकेशन, इस तरह के कई और फैक्टर्स हैं जो आपकी अपनी वेबसाइट में उसे बेहतर तरीके से दिखाने के लिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सही मसला तो नहीं ओके। भाई? नहीं, मौसम भी ओके है, बिल्कुल ओके है। ग्रेट, हो गया। आगे यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, ये आया था एल्गोरिथम रैंक ब्रेन का, और वहाँ से फिर आपको यूजर एक्सपीरियंस काउंट होने लग गया था। उससे पहले भी हो रहा था, मगर जितना इसने उसे फैक्टर में लाया उतना अभी तक कोई और एल्गोरिथम नहीं लेके आया था। इसके अंदर यूजर जितना आपकी वेबसाइट पे देर रुकता है और वहाँ से जंप कर जाता है वो फैक्टर, आपकी वेबसाइट के टाइटल टैग्स कितने इंगेजिंग है, लोग कितना क्लिक कर रहे हैं नेचुरली वो, और उसके ऊपर कितनी देर रुक रहे हैं वेबसाइट के अंदर, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, ड्वेलिंग टाइम जो है, ये तीनों फैक्टर्स उसमें काउंट होने लग हाँ गए थे। क्लिक थ्रू रेट, मैंने कि आपकी वेबसाइट पे लोग क्लिक कितना कर रहे हैं नेचुरली, बाउंस रेट, आपकी वेबसाइट पे लोग आके जंप तो नहीं कर रहे हैं, ड्वेलिंग टाइम, आपकी वेबसाइट पे लोग आके कितनी हाँ देर तक रुक रहे हैं, ये तीनों आपकी यूजर एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। आपका कंटेंट ये यूजर सिग्नल्स देता है आपकी वेबसाइट सॉरी गूगल को, और ये सिग्नल्स बताते हैं ये वेबसाइट अच्छी है, ये सिग्नल वेबसाइट बताते हैं कि ये वेबसाइट बुरी है। अगर यूजर आ रहा है रुक रहा है, मोशन भाई, यही सब कुछ जो है वो ब्लॉग और जो वर्डप्रेस के जो थीम्स होते हैं उसके ऊपर हम कंटेंट लिख के उसको शो करवाएं गूगल पे, तो जी उसको भी इसी तरह से देखा जाता है। हर हर वेबसाइट जो है वो आपके इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर काउंट होगी, चाहे वो आप यूट्यूब पे हो, चाहे आप वर्डप्रेस पे हो, चाहे आपकी अपनी खुद की वेबसाइट हो। यूजली ये रैंक ब्रेन की एल्गोरिथम हर हर जगह पे अप्लाई करता है गूगल, चाहे तो आप मोशन अपनी, भाई, इस तरह तो फिर जो है वो अगर हम अपने वर्डप्रेस में आते हैं, जैसे आजकल जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट को सर्च कर रहे होते हैं, मोस्टली ऐसे जी, ही होता है, तो वहां से फिर कितने व्यूज हों तो फिर मतलब अर्निंग आना शुरू हो जाती है, भाई या फिर व्यूज के ऊपर अभी काउंट ना करें, अभी आप काम करें अपने कंटेंट के ऊपर। यूजली जब आप व्यूज के लिए काम करना शुरू करते हैं ना, तब आप अपना कंटेंट को मिस करवा देते हैं। मेरा मानना यह है आप व्यूज के लिए काम ना करें, आप कंटेंट के लिए काम करें, ऐसा काम जो कि आज से 1 साल के बाद भी रेलिवेंट हो, व्यूज अपने आप आने लग जाएंगे। व्यूज यूजली होता यूं है कि यूट्यूब के ऊपर तो होता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो, और तकरीबन कितना टाइम था, 100 आवर्स के लोगों ने देखी है वीडियो, और आपके जो एडसेंस के हैं उसके रिक्वायरमेंट्स अलग है, मैं आपको देख के बता दूं, मैं वो याद नहीं है। यूजली होता है कि आपने एडसेंस की एड लगाई होती है, जितनी एड्स के इंप्रेशन पड़ते हैं लोगों पे, तो उसके बाद आपको उस एड के ऊपर व्यूज मैंने पैसे मैंने लग जाते हैं। मगर अभी आप उसके लिए काम ना कि अभी आप अपने कंटेंट को सिर्फ देखें कि आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि लोग आके रुकने लग जाएं, फिर आप एडसेंस की प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करेंगे और उसका कोड अपनी वेबसाइट पे ऐड कर देंगे, और उसके ऊपर जितने भी लोग आके उस एड्स को देखेंगे उतने आपको उसके लिए ऐसे इनकम जनरेट होने लग जाएगी। एक और बात होती है कि आपके जो लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपकी क्लाइंट बेस ऑडियंस कहाँ पे है। पाकिस्तान और इंडिया की क्लाइंट ऑडियंस बहुत सस्ती है, अमेरिका, यूएसए, यूरोप और सऊदी की ऑडियंस महंगी है, तो इसलिए वो आपके यूजर कहाँ से आ रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा। हाँ, रीजन मतलब डिपेंड करेगा हमें किस रीजन को टारगेट करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिस जगह को आप टारगेट करेंगे उसके लिहाज से आपको फिर इनकम भी वेरी करेगी आपकी। यहाँ तो कोई मसला तो सही हो कुछ गया। नहीं? नहीं, मौसम भी ओके, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ग्रेट, हो गया। 8वां पॉइंट है लिंक्स।
तीन किस्म की लिंक्स होती हैं, इनबाउंड लिंक्स, आउटबाउंड लिंक्स, इंटरनल लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स वो होती हैं जब आप दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट्स पे लिंक लेके आते हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो अपनी से रेलिवेंट हैं, अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, और उनका काम वही है जो कि आपकी नीच से रेलिवेंट सी रखता हो, और वहाँ से आप लिंक लेके आते हैं, तो एक अच्छी इनबाउंड लिंक कहलाती है वो। आउटबाउंड लिंक वो लिंक्स हैं जब आप नेचुरली अपनी वेबसाइट से किसी और अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट पे लिंक करते हैं, जैसे कि कोई जैसे भाई अगर हमने विकिपीडिया जो है, जी जी बिल्कुल ठीक है, विकी पे अगर हमने जो है वो कोई सर्च किया जैसे फिजिक्स की आप कह लें, जी तो जी। उसके ऊपर हम अपना आर्टिकल का लिंक जो है वो दे देते हैं, तो वो उस वेबसाइट से वो हमारे वेबसाइट पे आएगा विकिपीडिया से, जी तो यही होगा इनबाउंड। जी इनबाउंड होगा, और जब आप अपनी वेबसाइट पे विकिपीडिया की लिंक लगाएं तो आउटबाउंड लिंक हो जाएगी। ऐसी बनी कि आपने फिजिक्स का आर्टिकल है, आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं जो आपकी लोग वेबसाइट आपकी पढ़ने आए वो विकिपीडिया वाला आर्टिकल भी पढ़ सकें, ताकि अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए, तो जो आप लिंक विकिपीडिया वेबसाइट पे लगाएं वो आउटबाउंड लिंक हो जाएगी। तीसरी लिंक की टाइप होती है इंटरनल लिंक, ऐसी लिंक जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। मिसाल के तौर पर पहले आपने एक आर्टिकल लिखा था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल थर्ड चैप्टर के, फिर आप आगे चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए कहता है पेज बनाते हैं, मगर उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, फिर वहां पे आप लिंक कर देंगे उस फोर्थ चैप्टर को थर्ड चैप्टर के साथ, राइट? ऐसे ही है ना, सही वो हो आपकी इंटरनल लिंक काउंट होगी। और इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो गूगल का कोलर होता है वो इजीली आपकी वेबसाइट को आपस में कनेक्ट कर सकता है, और जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है, उसे आपकी वेबसाइट को छोड़ के जाना नहीं पड़ता, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही सही बात समझ सकता है, इस तरह आपकी इंटरनल लिंक भी क्लियर हो जाती है। सही हो गया, इससे आपकी पेज की रैंकिंग भी बेहतर होती है। ठीक है, एक और मैं बात बता दूँ, अगर आपकी वेबसाइट का एक पेज का रैंक बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पर आपका जो होम पेज है उसके रैंक है 34, मगर आपके साइट पेजेस का रैंक कम है, तो जब आप होम पेज से साइट पेजेस को लिंक करेंगे ना तो उनका रैंक भी अपने आप बेहतर हो जाएगा, क्योंकि लिंक जूस आपका बट जाएगा। अगर उसी तरह आपका एक पेज है जो कि थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे क्रिएटेड है, उसकी लिंकिंग बहुत अच्छी है और इसलिए उसका रैंक भी बहुत अच्छा है, 34 उसका रैंक है मिसाल के तौर पर, तो उसे जब आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर पे लिंक कर देंगे तो आपके जो दूसरे चैप्टर की लिंक्स हैं या वेबसाइट के वो भी बिल्डअप हो गए, उनका भी रैंक बेहतर हो जाएगा। तो मुझे भी अगर हम लोग जो है वो मतलब इनबाउंड पे आते हैं जो ये लिंक है, तो इसमें फिर जब वो यहाँ फिर आप ये समझ लें कि अगर हम अपना लिंक जो आउटबाउंड करवाते हैं, मतलब जैसे विकिपीडिया पे हमने अपने पेज का लिंक दिया हुआ है, तो जितनी बार वो विकिपीडिया पे आएगा तो हमारे पेज का रैंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मुझे आपसे कंफ्यूजन है, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि जब आपकी गूगल से विकिपीडिया से आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपका रैंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये पूछ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, बढ़ेगा। जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आएगा, रुकेगा, ठहरेगा, तो आपकी वेबसाइट का रैंक बढ़ेगा। नहीं, अगर वो लेट्स सपोज कि वो सिर्फ विकिपीडिया पे रहा लेकिन हमारा लिंक नीचे है, लिंक उसने ओपन नहीं किया, सिर्फ उसने विकिपीडिया ओपन किया लेकिन हमारा लिंक ओपन नहीं किया, लिंक है वेबसाइट पे, हाँ जी, तब भी हमारे रैंक में कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी जाए ना जाए मगर कोलर जाएगा उस लिंक के ऊपर, कोलर जो है कोई लिंक नहीं छोड़ेगा, उसने तमाम लिंक्स को फॉलो करना होता है। तो अगर विकिपीडिया जैसी अगर अच्छी वेबसाइट से आप इनबाउंड लिंक और डू फॉलो लिंक ले लेते हैं तो बिल्कुल वो आपकी वेबसाइट पे फर्क पड़ेगा और आपको अच्छा रैंक मिलेगा उसकी वजह से। सिग्नल्स की बात करते हैं, सोशल सिग्नल्स वो तमाम सिग्नल्स हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू गूगल को बताते हैं कि ये वेबसाइट अच्छी है और इसे आप रैंक करवाओ। इन सिग्नल्स के अंदर आपके सोशल मेंशन आ जाते हैं, लोग आपका कंटेंट कितना सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि लोगों सोशल मीडिया पे आपकी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए करेंगे आपके सोशल सिग्नल्स में काउंट होंगे। कॉग्निटिव एसईओ की एक स्टडी की जिसके अंदर से 23 मिलियन शेयर्स को एक डेफिनेटिव लिंक के थ्रू फाइंड किया था, जिसकी वजह से बात क्लियर होगी कि जितनी आपकी वेबसाइट का कंटेंट शेयर होगा उतनी ही आपकी सोशल मीडिया सोशल इंजन पे रैंकिंग बेहतर होगी, सर्च इंजन पे रैंकिंग। गूगल का ऑफिशियल वर्ड ये है कि सोशल शेयर्स जो हैं एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स नहीं हैं, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स जरूर हैं। डायरेक्टली चाहे काउंट करें ना करें मगर इनडायरेक्टली आपकी रैंकिंग जो है उस पर ये डेफिनेटली काउंट करते हैं। ये गूगल सर्च के लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे आपको ट्रैफिक भी मिलेगी, इससे आपको ब्रांड अथॉरिटी भी मिलेगी,
और जितनी ब्रांड अथॉरिटी मिलेगी उतनी आपकी रेलिवेंस नीश में क्रिएट होगी। जितने ज्यादा सोशल शेयर्स होंगे ट्रैफिक सही आपकी हो गया। पेज की अपने आप बेहतर हो जाएगी और वो आपके कंटेंट को बिल्ड बैकलिंक्स भी नेचुरली खुद बना के देंगे। लोग देखेंगे अगर आपका कंटेंट रेलिवेंट है किसी एक कीवर्ड के लिहाज से तो लोग खुद लिंक करेंगे, भैया ये फलां की वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप इसे मजीद लीड कर सकते हैं। यहाँ तक तो मसला नहीं भाई? नहीं नहीं मौसम भी ठीक है एक्चुअली। चलें ग्रेट हो गया। 10 फैक्टर ना इस पे की मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था ना, मतलब साथ साथ पढ़ रहा था मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, जी तो वो जी आसानी है, ज्यादा वो नहीं लग रहा मुझे। या ये बहुत अच्छी बात है, यही इम्पोर्टेंट बात है कि आप मैंने कि उसे ना प्री रेड कर लें या उसे प्री प्रूफ करवा के रीड कर लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा एट द एंड ऑफ द डे। आगे चलते हैं 10th फैक्टर के ऊपर। 10th फैक्टर है रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऐसी बिजनेस इंफॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट को उस लिहाज से ऑप्टिमाइज करे कि जब लोग उससे सर्च करें तो वो साइट से ये रीड कर सकें, भैया ये इसका मसला क्या है, ये आपकी वेबसाइट पर कब से है और इसका असल मकसद क्या है। ये आपकी वेबसाइट को दूसरों के लिहाज से बेहतर ऑप्टिमाइज करेगा। यूजली ये लोग विकीपीडिया से निकालते हैं मगर आप अपनी वेबसाइट पे मेटा टैग्स के जरिए खुद भी ऐड कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल कंपनी को तो ये सीधे हाथ की तरफ ये जो रिजल्ट आ रहा है ना कि गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये यूनाइटेड स्टेट में है और मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये आपका बिजनेस रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है। ये यहाँ पे आपके सीईओ का नंबर, फाउंडर कब वो स्टार्ट हुई, इसका पेरेंट कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सब्सिडी कौन कौन से हैं, इसके फाउंडर्स कौन है, ये सारी आपकी रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन है। आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आपकी बिजनेस लिस्टिंग ऑन गूगल माई बिजनेस और फेसबुक, आपके रिव्यूज कितने हैं डायरेक्टरीज पे जैसे कि येल्प हो गया और दूसरी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम रिव्यूज देते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, reviews.com हो गया इस तरह करके, ये राइट ठीक हो गया लोकल मैं। टर्म्स जो हैं ये तमाम आपके रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन में काउंट करेंगे और इनसे आपके इंसेंशियल एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स कम्प्लीट हो जाएंगे। अभी तक हमने 10 रैंकिंग फैक्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक कोई मसला कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं हम मोहसिन अपने भाई लेक्चर को ये कम्प्लीट ठीक करते है। हैं। हाँ ये ठीक है, बस अब ये है कि इनको हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो फिर और स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी यहाँ तक तो बिल्कुल ओके है, समझ आ गई मुझे कैसे कैसे करना क्या है। फिर जी वो अब देखेंगे कि वहां पे होगा कि नहीं होगा, जी माइंड बिल्कुल में तो बैठ गया कि ये चीज ये काम करती है, ये चीज ये काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। पहला मकसद ये था कि पहले माइंड में क्रिएट हो जाए कि ये चीजें वर्क हाँ कैसे करती हैं। अब इन्हें वेबसाइट हाँ वो में आइडिया इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हो गया कि ये क्या क्या चीजें क्यों क्यों करते हैं हम लोग। अब कैसे जी करते हैं वो फिर बाद में जब आप करवाएंगे तो समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपकी जो रिसर्च है कल के लिए वो ये है कि आपने मुझे यूजर सर्च इंफॉर्मेशन देनी कीवर्ड्स के ऊपर कि लोग जब एसईओ के लिए सर्च कर रहे हो तो कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं वॉइस फॉर LSA के लिए आते हैं। सही हो गया, लेकिन मोहसिन भाई उसका ये है कि वो जो हम कीवर्ड सर्च करते हैं उसके 2-3 टूल्स, जिसने वो आपने बताया था कि नेल पटेल का है, जी उसमें हम जी लोग देखते हैं कि इस तरह के कीवर्ड जो सर्च कर रहे हैं वो वाले। जी उसके बाद वो जो एक मैंने देखा था वो विंडो का SEO पावर सूट जो है। जी 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 इस तरह के और भी कई फ्री टूल्स हैं जिस तरह के और एक दो और थे जिसमें, अभी, हाँ जी मगर मगर आपने भी इनके ऊपर नहीं जाना, आपने एक और टूल के पास जाना है जो कि आपको बताएगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं। ये दो टूल्स हैं, एक है गूगल ट्रेंड्स और एक SEO लिस्टिंग टूल। आपने इन दोनों की ठीक पे हो जाके देखना है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं फुटबॉल शूज तो लोग फुटबॉल शूज के बारे में क्या सवाल पूछ रहे हैं, और सेम थिंग गोज हियर कि आप यहाँ पे देखें लोग किस चीज पे सर्च कर रहे हैं, फुटबॉल पे सर्च कर रहे हैं, टेलर स्विफ्ट पे सर्च कर रहे हैं या किसी और चीज पे सर्च करें। आप यहाँ पे सर्च करें गूगल आपको खुद बताएगा कि इस चीज पे इतनी सर्च हो रही है, मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखता हूँ एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिहाज से। अब मसाल के तौर पर मैं फुटबॉल शूज के लिहाज से चाहता हूँ कि पता कर सकूँ कि लोग क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, कौन सी जगह पे सर्च इसकी ज़्यादा है, फिर मैं उसके लिहाज से अपने आप को टारगेट कर दूंगा। अब मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ शहर के लिहाज से सिटी लिख दूंगा, अगर मैं चाहता हूँ कि स्टेट के लिहाज से देखूँ सब चीज़ें लिख दूंगा, और किस जगह किस टाइम इसकी सर्च ज़्यादा हुई थी, इस टाइम पे ज़्यादा सर्च हुई थी। आप यहां से जाके देख सकते हैं कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिहाज से।
दूसरा तरीका ये गूगल ट्रेंड पे जाएं और वहां पे जाके देख लें लोग क्या सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड की वजह से। अब मैं चलता हूँ फुटबॉल शूज और फुटबॉल की एथलीट्स, सॉकर क्लीट्स, इन दोनों कीवर्ड्स को मैं आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ कि लोग इन दोनों पे कैसे सर्च। मुझे भी गूगल ट्रेंड पे जो है ना वो मैंने गूगल ट्रेंड पे मैंने किया था। अच्छा क्या बना? हेलो हाँ जी, हाँ जी मोहसिन भाई। जी आप बता दें गूगल ट्रेंड पे आपने किया था क्या रिजल्ट? हाँ वो तो मैंने उसमें मैंने देखा था, मतलब रीजन जो है किस रीजन में हमने, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के किस रीजन में ये सर्च ज्यादा हो रही है, जी जी और फिर किस तरह के कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहे हैं उसके रिलेटेड। जिस तरह ना जी वो जी मैंने प्लांट्स के ऊपर किया था, नर्सरी ऑनलाइन के ऊपर ना, राइट राइट एक कीवर्ड के लिहाज से, तो जी उस जी पर मैं देख रहा था गूगल ट्रेंड की, तो वो थोड़ी बहुत समझ आ रही थी मुझे, लेकिन जो दूसरा टूल आप बता रहे हैं उसका नहीं मुझे आइडिया, वो देख आंसर लेता द हूँ मैं। पब्लिक, दूसरा टूल है आंसर द पब्लिक। उस पर होता ही है कि जब आप उस पर सवाल लिखते हैं ना या कोई कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नर्सरी की बात कर रहे थे आप, नर्सरी प्लांट्स का जब सवाल लिखेंगे तो लोगों ने जो भी वॉइस सर्च किया होगा ना कि ये प्लांट्स कैसे हैं, कहाँ पे होते हैं, क्यों होते हैं, वजह क्या है, तमाम सवाल लाइन बाय लाइन आ जाएंगे उनकी टैफे के लिहाज से। फिर आपने वहाँ से हम सवालों को देखना है, उन सवालों के आंसर अपनी वेबसाइट में डाल दें। मिसाल के तौर पर लोगों ने सर्च किया हुआ है कि रोज का जो फूल है यानी कि जिसका रियल नाम हो गया प्लैंक्टिस कहते हैं उनसे, उसका जो रियल नेम है वो क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है रोज का, ये सवाल है। तो आप अपनी वेबसाइट पे ये सवाल का आंसर दे दें, फिर लोग जब उस पर रिसर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट अपने आप रैंक करेगी और उन्हें आंसर मिल जाएगा उसका। ये आप सही है, सही इसलिए कहा जो है जी क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन जो है या जी कमेंट्स का पोर्शन हम लोग लिख देते हैं, अंदर रख देते हैं वेबसाइट के अंदर या फिर अपने वर्डप्रेस के अंदर, कि जी वो आंसर क्वेश्चंस होते रहे और वो रैंक करती रहे, जी इसी के लिए होता है ये भी। यूजली होता ही है कि जो भी लोगों के सवाल है ना आपने उन सवालों के जवाब देने होते हैं, जितने ज्यादा आप अच्छे तरीके से जवाब देंगे, रेलिवेंट जवाब देंगे, उतने आप बेहतर तरीके से रैंक कर सकेंगे। अब चाहे वो आप FAQ के थ्रू दे दें, चाहे आप आर्टिकल के थ्रू दे दें, या किसी और वीडियो के थ्रू दे दें, अगर आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं तो आपके रैंकिंग फैक्टर पे काउंट होगा और बेहतर होगा आपके वेबसाइट के लिए। कोई मसला नहीं यहाँ तक भाई? नहीं, मौसम भी ओके, बिल्कुल ओके हो। अच्छा मैं आपको अपनी अगला टास्क बता रहा था कि आपने सर्च करना है कि लोग वॉइस पे जब सर्च करते हैं तो SEO के लिहाज से या SEO डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिहाज से क्या सर्च करते हैं, पहला ये सही स्टेप हो हो गया। गया। दूसरा LSA कीवर्ड के लिहाज से आप कौन से कीवर्ड्स अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। ये दो आपके टास्क हैं फॉर टुडेज क्या कहते हैं असाइनमेंट। अगर कोई मसला है तो पूछ लें वरना फिर लेक्चर कम्प्लीट करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको जजा दे। बिल्कुल जी, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़।